हेलो दोस्तों, मैं तासा डेजी एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल तासा दी प्रेरणा पर। उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो हम जा रहे हैं मनाली के तीसरे व्लॉग में, वो हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब की तरफ। मणिकरण सिखों का गुरुद्वारा और इसी से जुड़ी हुई हैं हिंदू मान्यताएं भी। रास्ते में जाते हुए बहुत कुछ सुंदर खूबसूरत देखने को मिलता है, जिसमें से एक है ये पार्वती नदी। इसकी खूबसूरती, इसके पानी की आवाज़ और इसके पानी का रंग इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। मणिकरण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि से हुई है। हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती भ्रमण कर रहे थे और इस जगह की सुंदरता पर मोहित हो गए और इसी वजह से वो यहाँ पर 1100 सालों तक रहे। पर जब वो यहाँ पर रह रहे थे तो देवी पार्वती ने अपनी मणि को इसकी धारा में खो दिया, जिसे लेकर वो बहुत परेशान थी। शेषनाग ने मणि को निगल लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और मणि को वापस लाने के लिए तांडव करने लगे। शेषनाग उबलते पानी और गर्म झरनों को जन्म देता है और पार्वती के मणि के समान दिखने वाले रत्न पूरे पानी में फैल गए। उसके कारण इस जगह को मणिकरण का नाम मिला। सिखों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने अनुयायी भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। मर्दाना को भूख लगी, लेकिन भोजन कहीं नहीं था, तो गुरु नानक देव जी के कहे जाने पर मर्दाना लंगर के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। लोगों ने उन्हें आटा दान दिया। सामग्री होने के बावजूद भी आग ना होने के कारण वो भोजन पकाने में असमर्थ थे। तो इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा कि एक पत्थर तो उठाकर लाओ, और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना वहाँ से निकल गया और पकी हुई रोटियाँ पानी के ऊपर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर अब कोई भी भगवान के नाम पर कुछ भी दान करता है तो उसका डूबता हुआ सारा सामान वापस तैरने लगेगा। और इस तरह मणिकरण साहिब के दर्शन करने के बाद हम वापस चलते हैं मनाली की तरफ, जो एक अद्भुत नज़ारा रात का है। अरे वाह, रात को सूरज रेड कलर का है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं बता रही थी एक वो पहेली थी ना कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, और इसका जवाब होता था रात का आसमान। ऐसे लग रहा है ना, इस थाली में बहुत सारे मोती हैं, सितारे हैं, और वो सबके सिर पे उल्टे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सितारे नहीं है गाइस, ये लाइट्स है मनाली की, जो रात को आप देख रहे हैं। यस, और बहुत फन किया, बहुत मजा आया आज सच में। और कोई हिल स्टेशन जाए और वहाँ के माल रोड पर ना जाए, कुछ शॉपिंग ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम आखिरी दिन चलते हैं माल रोड के ऊपर। भैया, आपकी शॉप कब से है यहाँ पे, कितना टाइम हो गया आपको? कितना, 10 साल, 20 साल? दुकान ही अपनी है। अच्छा, ओके। अच्छा, पिछले साल में और इस साल में कितना अंतर है? पिछले साल बहुत बर्फ थी ना यहाँ पे, नहीं थी? अच्छा, हाँ, इन दिनों में। ये हम मनाली के माल रोड पे हैं, जहाँ पे मैंने सुना है माल तो बहुत मिलता है, लेकिन बहुत महंगा माल मिलता है। क्यों मैडम, ठीक कह रहे हैं हम? बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुकान है, काफी ट्रेडिशनल सामान भी मिलता है। आपका नाम क्या है? हाँ, दानिश। अच्छा दानिश, आप यहीं से हो प्रॉपरली या कश्मीर से हो आप? कश्मीर से लग रही है मुझे आपकी शक्ल की, आप कश्मीर से हो। और यहाँ पे कब से आए?
10-15 साल। क्यों, आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? हाँ, बड़ा मैं यहीं हूँ। अच्छा, वाह, वेरी गुड। ओके, आपकी शॉप ये कब से अभी है यहाँ पर? यहाँ पे 2006 से आप ही संभाल रहे शॉप को? ये वाली शॉप है आपकी? अच्छा, तो पिछले साल में और इस साल में कितना अंतर है? टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं कि कम आते हैं? इस बार ज़्यादा आई है, पिछली बार? इस बार कम है। और बर्फ़ यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा, होता है क्या वैसे इन दिनों में? होता है, कभी कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ आसार हैं कुछ दिनों तक होने के स्नोफॉल? तो स्नोफॉल होने से क्या होता है, टूरिज्म बढ़ जाता है यहाँ पे? ये माल रोड के ऊपर दुर्गा देवी का मंदिर है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है कि फोटो खींचना मना है, इसलिए मैं अंदर जाके फोटो नहीं खींचूंगी, बाहर से ही ट्राई कर लेती हूँ। माल रोड के ऊपर जय माँ दुर्गा मंदिर में मास्क के साथ प्रवेश करें। शाम हो गई है और हमारा ये लास्ट हो रहा है यहाँ पे ट्रिप, उसमें हमने बहुत मज़े किए, बहुत फन किया। 6 बजे की हमारी बस है और अभी बस थोड़ी देर तक हम लोग निकल जाएंगे पकौड़े खा के। चलिए अपने पकौड़े की दुकान पर चलते हैं, जहाँ से हम पकौड़े ले रहे थे पकौड़े खाने के लिए। और जैसे आपको पता है, मैं सिर्फ पूछती हूँ पकौड़े खाओगे, मगर मैं खिलाऊंगी नहीं। ये मेरी फ्रेंड जिसके साथ में आई थी, अकेले अकेले जीम रही है, देखो केक, मुझे नहीं पूछा। किलीम, क्या कह रहे हो आप, क्या किलीम? किलीम, ओके। ट्रीम, अच्छा नहीं खाया मैंने, कहा खाया मैंने, कहा खाया मैंने, नहीं खाया, कितने गुस्से में। ये हमारी छुट्टी, हमारी ट्रिप की जान बहुत गुस्से में है क्योंकि इसके हाथ में क्रीम है और ये मेरे फेस पे लगाना चाहती है, जो कि मैं नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती कि मेरे फेस पे लगा के। और इस तरह खत्म होती है हमारी जर्नी और हम आ जाते हैं बस स्टैंड पर, जहां पर पहले से ही हमारी बस हमारा इंतजार कर रही है। खोए हुए, मदहोश हुए इन यादों में हम वापस रुख करते हैं दिल्ली का। तो गाइज, ये था मनाली व्लॉग 3। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको उतना ही अच्छा लगा होगा। और गाइज, मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट आने वाला है मनाली व्लॉग 4, जो भी लास्ट व्लॉग होगा इस ट्रिप का, जिसमें होगी गाइज पैराग्लाइडिंग। यस, स्टे ट्यून्ड। आप अपनी सपोर्ट, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इसी तरह से बनाकर रखिएगा और आपके खुद के चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।